नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको राजस्थान पुलिस में आने वाले लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर एक है, यदि राजस्थान में विधानसभा परिषद का गठन हो जाता है तो इसमें से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं और अगर विधान परिषद का गठन हो जाए तो 66 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 के बराबर। क्वेश्चन नंबर दो, राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो लाड कुमारी जैन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर तीन है, जनवरी 2012 में जयपुर में आयोजित कर्मानुसार कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है 10वां। क्वेश्चन नंबर चार, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि कौन है? तो भारत का प्रतिनिधि है हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर पाँच, जनगणना 2001 से 11 के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो जालौर की साक्षरता दर है वो न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर छः, किस देश ने भारत की घेराबंदी हेतु मोतियों की माला रणनीति अपनाई? तो ये रणनीति अपनाई थी चीन ने। क्वेश्चन नंबर सात, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों की कौन सी अल्पसंख्यक भाषाओं के द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था है? तो गुजराती, पंजाबी, उर्दू व सिंधी के द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर आठ, मोसर किसे कहा जाता है? तो मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है उसे मोसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नौ है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? तो ये जिला है, ये बाड़मेर है। क्वेश्चन नंबर दस है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो यह जोधपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बारह है, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो बाबू जी की फड़ लोकप्रिय फड़ है। क्वेश्चन नंबर तेरह है, गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मारवाड़ में मनाया जाता है यह त्यौहार। क्वेश्चन नंबर चौदह, जयपुर को छोड़कर राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नर की स्थापना की गई? तो यह है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सोलह है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? तो यह है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। क्वेश्चन नंबर सत्रह है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अठारह है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर लगाया गया? तो बेंगलोर के प्रधान डाकघर में पहला कंप्यूटर लगाया गया। क्वेश्चन नंबर उन्नीस है, वर्ष 2012 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने गए? तो 3 सदस्य चुने गए। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 30 अधिकतम संख्या हो सकती है। तो दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला पार्ट था, आगे दूसरा पार्ट आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।